हे गाइस, आज मैं आ चुका हूँ टाटा मोटर्स के शोरूम पे। अब शोरूम पे क्यों आना पड़ता है ये भी बता देता हूँ। देखिए, कोई भी कार कंपनी जब हमें कार को ऑफ़र करती है तो वो ये चाहती है कि हम उसका एक अच्छा रिव्यू करें। कोई भी कंपनी हमें कार इसलिए नहीं देगी कि हम उसका रिव्यू ख़राब करें। तो यहाँ पे अगर शोरूम पे मैं आ रहा हूँ या शोरूम पे नहीं भी आ रहा हूँ तो वो जो रिव्यू होता है वो अनबायस्ड होता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं शोरूम पे जाके फुटेजेस लूँ। नहीं मिलते तो भी ठीक है, बट मैं वहाँ पे जाके उसको एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, जजमेंट करता हूँ और जो मेरा व्यू पॉइंट होता है वो यहाँ पे बिल्कुल कि बिना किसी पार्शियलिटी के आपके सामने रखता हूँ। और यही ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा आने वाले टाइम में भी। अनबायस्ड रिव्यूज़ के लिए अगर आपको देखना है कोई भी चैनल तो वो होगा स्पीड 16। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले की देखते हैं। की यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है ये की। सबसे पहले तो आपको इंजन बे की तरफ लेके चलते हैं, हुड को देखते हैं। हुड को उठाते ही आपको फील होगा कि ये कितना हैवी इसमें आयरन यूज़ किया गया है। तो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी देखने में लग रहा है, क्रैश टेस्ट के बाद पता चलेगा। बाकी अभी लीक भी हो चुका है, 5 स्टार रेटिंग इस कार को मिली है। तो यहाँ पे जो आपको इंजन मिलने वाला है वो 1.2 लीटर का रैप्ट्रॉन इंजन मिलेगा विद डायनो प्रो टेक्नोलॉजी। ये पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे कोई टर्बो वेरिएंट आपको नहीं मिलता है। ये 3 सिलेंडर इंजन है। कंपनी क्लेम करती है जो इंजन परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी मिलेगी, बट यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो एज सिमिलर है जो अदर मॉडल्स में भी मिलती है। तो वाइब्रेशन तो है, बेसिकली 3 सिलेंडर में आपको वाइब्रेशन मिलेगी। अब कितना उसको रिफाइनमेंट की जा सकती है कंपनी पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप वाइब्रेशन देख सकते हैं और नॉइज़ भी सुन सकते हैं। खैर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में आपको ये नॉइज़ अमूमन मिलती ही है, बट बेनिफिट ये होता है आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिल जाती है इन इंजन्स के अंदर। जब आप हुड के अंदर देखते हैं काफ़ी स्पेशियस मिलता है इसका हुड बे, और यहाँ पे काफ़ी प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छी की गई है। और बिल्ड क्वालिटी जो है, अगर मैं शीट मेटल एरिया की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छा और प्रोमिसिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे दिखता है कि ये कार कहीं ना कहीं 5 स्टार रेटिंग्स डिज़र्व करती है। बाकी कंपनी का ऑलरेडी ये लीक हो चुका है वेबसाइट पे कि 5 स्टार रेटिंग इस कार ने अचीव कर ली है। ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली जो इसका प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी अभी दिख रही है, उस हिसाब से ये डिज़र्व करती है 5 स्टार रेट। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी ये एक अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है जिसकी एल्ट्रॉज है, और वो एक अच्छी रेटिंग अचीव कर चुकी है ग्लोबल एनकैप में। सो फ्रंट व्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो इसकी लुक को काफ़ी एनहांस करते हैं। पैरेलली यहाँ पे हाई बीम के लिए होलोजन लैम्प्स भी दिए गए हैं। वहीं आपको बम्पर में ट्राई एरो डिज़ाइन मिलता है जो कि थोड़ा सा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा जितना होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशन थी इस वेरिएंट में। ऑटो एक्सपो से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बम्पर में आपको नज़र आएगा। यहाँ पे साइड में हुड एरिया में कर्व्स दिए गए हैं, एक कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं जिससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी और बल्कीनेस दिखती है। एक ट्रू SUV वाला स्टांस यहाँ पे दिखता है इस कार के अंदर। डायमेंशनली ये अपने आप को जस्टिफाई करती है कि ये SUV है, या आपको SUV के नाम पे एक हैचबैक का क्लियरेंस बढ़ा के और उसका स्टांस चेंज करके दे दिया गया है। चलिए आपको डायमेंशनली बताता हूँ कि क्या इसमें आपको मिलती हैं डायमेंशंस। लेंथ की बात करी जाए तो इसमें आपको 3827 mm की लेंथ मिलती है और 1742 mm की विड्थ, और वहीं 1615 की हाइट मिलती है। व्हील बेस आपको 2445 mm का मिलता है। तो यहाँ पे बात करी जाए डायमेंशनली, तो डायमेंशनली थोड़ा सा आपको फील होगा कि कॉम्पैक्ट SUV से डायमेंशनली ये काफ़ी कम दिखती है। और अगर स्टांस की बात करी जाए, बल्किनेस की बात करी जाए, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस फील होगा अगर कॉम्पैक्ट SUV के कंपैरिजन में इसको खड़ा कर दिया जाए। वहीं अगर मिनी SUVs के कंपैरिजन में खड़ा किया जाए तो ये फार फार बेटर है, बहुत अच्छी लगती है उनसे। और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि कॉम्पैक्ट SUVs से भी ये कम नहीं है, बहुत अच्छी लुक के साथ आपको दी गई है और अच्छी दिखती है ये कार डेफिनेटली। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको बोल्ड LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव दिखते हैं। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आपका जो अटेंशन है एकदम इसके ट्राई एरो जो ये एलिमेंट्स दिखेंगे LED उस पे जाएगा, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे आपको स्टाइलिश रूफ रेल्स मिल जाते हैं इस टॉप मॉडल में। बाकी इसके अलावा किसी भी और
मॉडल में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगे और टॉप मॉडल में भी ये नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स आपको मिलने वाले हैं। रियर व्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिखता है और यहाँ पे काफ़ी शार्प एजेस का यूज़ किया गया है। पैरेलली आपको रियर डीफॉगर एंड वाइपर मिलता है इस कार के अंदर। टॉप मॉडल में बेसिकली ये आपको मिलेगा, इससे लोअर वेरियंट्स में आपको ये फंक्शन नहीं मिल। बूट की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस आपको मिलता है यहाँ पे। 366 लीटर का कंपनी ने क्लेम किया है, ये स्पेस आपको मिलता है। और वहीं यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं इसके बूट में, जहाँ इजीली कोई भी छोटी हाइट वाला इसको पुश करके बंद कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेपनी के लिए एरिया दिया गया है, जहाँ पे टूल्स वगैरह भी दिए गए हैं। इस तरीके के R15 की स्टेपनी आपको मिलेगी और आजकल अमूमन हर कार कंपनी इस तरीके का स्पेस आपको प्रोवाइड करती है स्टेपनी के लिए। और यहाँ साइड में आप देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है टायर पंचर किट। इसके अंदर आपको टायर इन्फ्लेटर मिलेगा, इसके अलावा टायर पंचर रिपेयर करने के लिए सामान मिलेगा। तो काफ़ी यूनिक है, इस वक्त अभी कोई ऑफर नहीं कर रहा है इस चीज़ को। टाटा सेफ्टी के मामले में एक कदम आगे रहना ही पसंद करते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया। व्हील्स की बात करी जाए तो R16 के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं क्रिएटिव वेरिएंट में। कंपोलिश्ड वेरिएंट में आपको मिलते हैं 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स और इससे लोअर वेरिएंट में आपको मिलता है स्टील रिम। चलिए अब आपको कैबिन के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल्स किस तरीके के दिए गए हैं। पावर विंडो आपको सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं, ऑल फोर पावर विंडो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है डोर के अंदर। और अपॉलिस्ट्री, फैब्रिक अपॉलिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलती है विद ट्राई एरो डिज़ाइन, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मिडल में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, जो काफ़ी प्रीमियम बनाता है इसको। और चारों ही सीट्स आपको हेडरेस्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है ऑप्शन, क्योंकि आजकल कॉस्ट कटिंग के हिसाब से ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का कैबिन स्पेस है कार के अंदर। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती हैं और जो लोअर हाइट वाले हैं उनके लिए काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ से आप इस तरीके से इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। सो अब बैठ के देखते हैं इसके कंफर्ट को। तो अगर बात करूँ कंफर्ट की, तो ड्राइविंग सीट पे बैठने का जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन फील हुआ है, काफ़ी कंफर्ट फील हुआ है यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्सचरिंग है डैशबोर्ड पे काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे सनवाइज़र में आपको मिरर का ऑप्शन मिल जाता है को ड्राइवर साइड पे। यहाँ पे ये कैबिन लाइट इस तरीके से मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड पे कोई भी मिरर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाइपर के ऑप्शंस मिल जाते हैं और हेडलाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा ये सेंटर कंसोल है, यहाँ पे आपको कप होल्डर के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा जो गियर नॉब है वो आपको लेदर रैप्ड मिलता है। ऑटोमेटिक एसी के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाता है और वहीं आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का स्पेस आपको सेंटर कंसोल में मिलता है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी प्रीमियम है, 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन आपको मिल जाती है। स्टॉप एंड वेरिएंट में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। वहीं यहाँ पे 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलता है, जहाँ पे आप ये एप्पल एंड एंड्रॉइड कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसको सिंक्रोनाइज करने की स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको साउंड भी सुना सकूं। इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड पे आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहीं आपको ORVM कंट्रोलिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। ORVM ऑटो फोल्डेबल है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टार्ट इंजन स्टॉप स्विच मिलता है आपको और इको मोड मिलता है और स्टोरेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप की रख सकते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑल 3 पैडल्स और यहाँ पे डेड पैडल भी मिलता है, जहाँ पे आप अपने पैर को रेस्ट करा सकते हैं, जो कि अमूमन आजकल कारों में आपको मिलता ही है। मैंने फ्रंट सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे सेट करके अब रियर सीट में देखते हैं कि कितना लेग स्पेस मुझे मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है, इतना स्पेस मिल रहा है। और सीटिंग की बात करी जाए तो बड़ी कंफर्टेबल है, मुझे अच्छा लगा सीटिंग का। और यहाँ पे आप फ्लोरिंग को देख सकते हैं, जो टनल का एक वेवीनेस होती है, जो हर्डल आता है बीच में, वो नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है, तो इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। बट हाँ, शोल्डर विड्थ की प्रॉब्लम रहेगी ड्यू टू विड्थ। अगर ओवरऑल बात करूँ तो टाटा पंच एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पे इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। फ्रंट ड्राइव मिलता है, इसके अलावा सेफ्टी में ये टॉप रहने वाली है, आपको 5-स्टार रेटिंग एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर मिलने वाली है। इसके साथ बात करूं तो फीचर्स आपको अच्छे मिलते हैं, टाटा का ब्रांड मिलता है। तो ओवरऑल पैकेज की बात करूं तो ये काफ़ी वर्थ रखता है। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि ये कॉम्पैक्ट SUV है तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, बट हाँ, अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ये SUV का एक नया ही सेगमेंट है, जिसको आप
बाय कर सकते हैं। आप जाइए शोरूम पे, चेक करिए, अगर आपको कार अच्छी लगती है तो खरीदिए।